हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 11 प्रो प्लस को सेटअप करेंगे कैसे करेंगे। इसी वीडियो में बताएंगे जब आप अपने फोन को फर्स्ट टाइम बूट करते हैं तो आपको कैसे सेटअप करना रहता है, इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही देख सकते हैं फोन हमारे पास आ चुका है, तो चलिए इसे हम करते हैं बूट। सबसे पहले बटन को प्रेस कर लेते हैं, आपका फोन इस प्रकार से ऑन होता है। जब आपका फोन इस प्रकार से कुछ ऑन होगा तो सबसे पहले आपको जब ऑन होता है तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है आपको अपने फोन के अंदर। तो चलिए जब इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाता है तो यहाँ से आप इसे करेंगे ओके। ये ब्लू लाइन मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी लैंग्वेज आप अपनी रखना चाहते हैं इसे आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। हमें इंग्लिश रखनी है, इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से रीजन मिल जाती है अपनो, यहाँ से आपको रीजन है जो कि आपको कंट्री देखने मिल जाती है अपने फोन के अंदर, इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है उसे। तो यहाँ से हम अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे ओके। इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, इसे करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन दे मिल जाती है जो कि आपको यूज़र एग्रीमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं हो तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसे आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपके फोन हमारे पास फर्स्ट वाईफाई आ रही है, वाईफाई से हमारा फोन कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर दें। यहाँ से पहले के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसे स्किप कर दें। स्किप करने के बाद आपके सामने गूगल सर्विस ओपन हो जाती है, मोर का ऑप्शन मिल जाता है, मोर पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से मोर पर आप क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है, एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है अपने फोन के अंदर फिंगरप्रिंट फेस लॉक कुछ लगाना है, जो कि हमें नहीं लगाना है, इसे आपको कैंसिल कर देना है, इसे बाद में सेटअप करेंगे। कैंसिल कर देंगे, ऊपर स्किप का ऑप्शन मिल जाता है, स्किप कर देंगे। स्किप के बाद साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, इसे भी हम स्किप करेंगे। यहाँ से स्किप करने के बाद आपसे पूछ रहा है आपको अपने फोन के अंदर बटन रखने हैं, नेविगेशन जेस्चर जो भी आपको रखने हैं वो यहाँ से सेट कर लेंगे। तो हम अपने फोन के अंदर जेस्चर रखेंगे, जेस्चर के बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको फोन के अंदर ऑप्शन मिल जाता है रिकमेंडेड अपडेट ओवरनाइट, इसे आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। कुछ एप्लीकेशन है जो कि आपके फ़ोन में मांगता है, ये आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप इसे हम करेंगे स्किप। तो हम इसे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर देखना मिल जाता है कलर वाइज देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको देखना मिल जाता है, इसे हम कर देंगे गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट करने के बाद आप अपने फ़ोन का आपका फ़ोन हो जाता है ओपन। तो इस प्रकार से आपका फ़ोन हो जाता है सेटअप, इस प्रकार से अपने फ़ोन को आप सेटअप कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा फ़ोन हो जाता है ओपन। तो इस प्रकार से आप अपने फोन को सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब बूट करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाता है आपको अपने फोन के अंदर, इसे आप इस प्रकार से सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपने फोन को आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।